हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए गाइस एक नई टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुआ, और टॉपिक है एफआईआर कैसे दर्ज करें, वो भी ऑनलाइन। क्योंकि अब सारे चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, इस डिजिटल एज में कोई भी चीज़ें अब ऑफलाइन नहीं, कोई भी चीज़ें अब कागज़ पे नहीं रही, सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ऑनलाइन एफआईआर कैसे दर्ज करें, वो भी मोबाइल से आप घर बैठे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में, हम आपको समझाने वाले हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आप टॉपिक को अच्छे से समझिए और देखिए एफआईआर कैसे दर्ज करते हैं। आपको डालना है ऑनलाइन एफआईआर यूपी पुलिस, आप इतना डालेंगे ऑनलाइन एफआईआर यूपी पुलिस। जो पहला आपका आएगा साइट वो है upipolice.gov.in, upipolice.gov.in ये साइट है गाइस, जिसको आप नोट करके रखेंगे। इस साइट को खोलने के बाद फिर आप जाएंगे सीधा सिटीजन सर्विसेज। ये सिटीजन सर्विसेज आम पब्लिक, आम नागरिक के लिए है, जहां से हम एफआईआर बिल्कुल इजीली दर्ज कर सकेंगे। और आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे आप एफआईआर दर्ज करेंगे, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं, आपको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं, या आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं कि हमारा एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। ये सारी टेंशन से आप मुक्त रहें, घर बैठ के एफआईआर दर्ज करें। तो चलते हैं गाइज, स्टार्ट करते हैं एफआईआर दर्ज करने का पूरा प्रोसेस, और जाने अच्छे ढंग से और करें मोबाइल से एफआईआर दर्ज। तो ये है हमारा सिटीजन सर्विसेस। सिटीजन सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है EFIR। EFIR का मतलब ये आपका ऑनलाइन FIR दर्ज होगा, इंटरनेट के थ्रू दर्ज होगा। और ये ऐसा FIR है जो कोई इसे काट नहीं सकता, कोई इसे मिटा नहीं सकता है, और ये सर्वर पे हमारे रहेंगे, इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि, या कोई भी डिपार्टमेंटल पुलिसकर्मी जान सकता है कि आपका FIR दर्ज हुआ है। तो जैसे ही हम FIR पे क्लिक करेंगे, ये आपको साइट को नेविगेट करते हुए एक दूसरी साइट पे पहुंचा देगा, जिस साइट का नाम है cctnsup.gov.in। यहाँ पे ये आपको नेविगेट करके पहुंचा देगा, और यहाँ पे आप FIR दर्ज करें। देखिए यहाँ पे FIR दर्ज करने से पहले ये दो चीज़ें दे रहा है। पहला है झूठी सूचना देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, यानी आपको FIR अगर दर्ज करना है तो वो फेक ना हो, वो झूठी ना हो, आपका रियल होना चाहिए कि FIR आप दर्ज करें, आप उसके पीड़ित हैं। दूसरी चीज़ है EFIR सुविधा अज्ञात अभियुक्त और नॉन SR मामलों के लिए उपलब्ध है, यानी ये अज्ञात के विरुद्ध आप खिलाफ, या अज्ञात के खिलाफ अगर आप FIR दर्ज करना चाहते हैं, तो दो चीज़ों को ये छोड़ के ये जिन्होंने FIR दर्ज करने की सुविधा आपको देता है। तो यहाँ पे हम आएंगे गाइस, लिखा है लॉगिन। लॉगिन के लिए आपको अपना यूजर नेम या मोबाइल नंबर ही यूजर नेम हो सकता है वो डालेंगे, और पासवर्ड डालेंगे। पर अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, आप पहली बार FIR दर्ज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जाना होगा क्रिएट सिटीजन लॉगिन। जी हाँ गाइस, क्रिएट सिटीजन लॉगिन, यहाँ से सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी तैयार करना होगा। आईडी और पासवर्ड यहाँ से कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रमेश, तो वो अपना फर्स्ट नेम रमेश, अगर मिडिल में उसका नाम कुमार है तो कुमार, लास्ट नेम मान लीजिए उसका चतुर्वेदी है या पांडे है, कुछ भी है तो वो डाल सकता है। तो हमारा एक ही नाम है सपोज दैट रमेश, तो हम यहाँ पे डाल देंगे रमेश। इसके बाद जेंडर पूछता है कि जो FIR दर्ज करने वाला पीड़ित व्यक्ति है वो मेल है फीमेल है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी जेंडर है वो चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, आप अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे ये हमने PCIT Gonda 22 के नाम से एक मेल आईडी दर्ज कर दी। और यहाँ पे लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप अपनी लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। सब गाइज, ये हमारा यूजर नेम जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, लिख के भी आ गया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन यूजिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे अब हम आईडी बन चुकी है, आईडी बनने के बाद यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद हम लॉगिन पे पहुँच जाएंगे। लॉगिन के लिए जस्ट ये हमारा आ गया वहीं पे, और यूजर नेम में यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल सकते हैं। यूजर नेम में हमने डाल दिया जो हमने लॉगिन आईडी डाली थी वो डाल देंगे, ये हमने डाल दिया गाइज। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो हम पासवर्ड डाल देंगे, सपोज दैट ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। और यहाँ पे जो हमने पासवर्ड
हमारा था वो हमने पासवर्ड डाल दिया, फिर हमने कर दिया इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये लॉगिन करके स्क्रीन पे कुछ यूँ तरीके से आएगा, अभी ये आपका प्रोसेस में है, देखिए ये स्क्रीन पे आ चुका है। अब FIR हम यहाँ से दर्ज करेंगे गाइस, हमारा लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया है, आईडी पासवर्ड डाल के हम अंदर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से FIR दर्ज होगा। FIR दर्ज करने के लिए ये हमें शिकायतकर्ता का नाम, क्या घटना हुई थी और प्रथम सूचना विवरण, पीड़ित की सूचना, संपत्ति, मृतकों घायलों का विवरण, ये पूरी डिटेल हम फिल करके और यहाँ पर जमा करें पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा FIR यहाँ से दर्ज हो जाएगा। अब इसमें शिकायत का प्रकार पूछ रहा है, अन्न है, गुम बच्चे हैं, या चोरी है, या जाली मुद्रा है, या लूट है, सेंधमारी है, साइबर अपराध है, किस तरीके की सूचना है। तो अगर इनमें से कोई सूचना आपकी है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, अन्य में डाल सकते हैं। अब जैसे हम आपको मान लीजिए चोरी का बता रहे हैं, तो यहाँ चोरी आपने डाल दिया। चोरी डालने के बाद में यहाँ पे गाइस जैसे हमने चोरी का डिटेल दर्ज करना है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शन हैं, चोरी, गुमशुदा, अन्न इत्यादि, तो हम चोरी का डाल के, और अगर उसका कोई UID नंबर है तो डालना है, अदरवाइज नाम डाल देंगे। नाम यहाँ पे आपका यूजर का नाम तुरंत दिखाई देगा, वही नाम रखना है हमको। शिकायतकर्ता का उप प्रकार क्या है उसका चोरी में, जैसे वाहन चोरी हुआ, मोबाइल चोरी हुआ, चैन हुआ, पर्स हुआ, बैग हुआ, यदि इनमें से कोई चोरी हुआ है तो आप वो डालेंगे। डालने के बाद में आप जो है यहाँ पे मेल फीमेल क्या है, एज आपकी क्या है, मेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, इसके बाद रिश्तेदारों का आपसे क्या संबंध है, या कुछ रिश्तेदारों का नाम अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपका गली, मकान नंबर, देश, राज्य, जो भी डिटेल है ये पर्सनल डिटेल आप खुद से फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में यहाँ पर जमा करें पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इनमें अगर आपको कोई अन्य डिटेल डालनी है तो यहाँ पे कई सारे टैब हैं, आप उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ घटना क्या है वो घटना जोड़ सकते हैं, प्रथम सूचना विवरण में आप अपनी पूरी प्रोफाइल या पूरी डिटेल, जो भी घटनाएँ हुई हैं जिसके रेफरेंस में आप सूचना या FIR दर्ज कराना चाहते हैं वो डालेंगे। पीड़ित सूचना, यहाँ पे अगर कोई पीड़ित सूचना उपलब्ध है तो वो आप डालेंगे, अदरवाइज उपलब्ध नहीं कर देंगे। संपत्ति रुच में अगर कोई डालना है, या घायल हुआ है, कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें FIR दर्ज कराने के लिए आपको कुछ मृतक भी हुए हैं या कुछ घायल भी गंभीर रूप से हुए हैं, उनका डिटेल डालना है तो वो यहाँ डाल के लास्ट में यहाँ हम जमा करें पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका ये FIR दर्ज हो जाएगा। दर्ज होने के बाद गाइज ये तो ऊपर हो गया, दर्ज कैसे करें, दर्ज होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो रेफरेंस नंबर आपको संभाल के रखना है, आपके मोबाइल पर भी SMS जाएगा। आपको FIR हमारी दर्ज हुई या किस लेवल तक अभी वो पहुंची है, वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, या हमारी शिकायत का निवारण हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम FIR की स्थिति देखे पे जा करके रेफरेंस नंबर डाल के जान सकते हैं। खोई वस्तु पंजीकरण, यदि आपका कोई वस्तु खो गई है और उसको आपको यहाँ पे पंजीकरण करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। खोई वस्तु पंजीकरण के देखने के लिए या विवरण डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आपने ऑनलाइन FIR दर्ज करने की पूरी प्रोसेस अच्छे ढंग से समझ ली होगी, इसीलिए हमने नेचुरली सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं और आपको वीडियो और कंटेंट के साथ हम फिर जल्द ही मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।